साध्वी प्रज्ञा भारती कुछ कहना चाह रही हैं। जी प्लीज भारती जी। क्यों कि देखिए हिमांशु, सबसे पहली बात यह है कि इसको आप भारत में सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं कर फिलिस्तीन के सकते, जो भूमि सुन लीजिए लेकर अब उनको आप भी। बीच में मत बोलिए मैं फांसी बोलिए जी। क्यों नहीं कर नहीं, सकते, अच्छा अभी आप बीच आपने में नहीं कहा उसके पीछे एक तर्क मिनट, दिए ना। सुनिए नहीं सुनिए बोला सुनिए, आप मेरे बीच नहीं में वो नहीं भी बोल बोले, रही फाजिल फाजिल अहमद अहमद साहब साहब ने, ने, उन्होंने उन्होंने कुछ कुछ नहीं नहीं बोला, बोला, वो वो बिल्कुल बिल्कुल शांत शांत थी थी और और आपने आपने कहा कहा कि कि मेरी मेरी बात बात आप आप बिना बिना सुने सुने कैसे कैसे कह कह सकते सकते, तो तो उनकी उनकी भी भी बात बात पूरी पूरी सुन सुन लीजिए, लीजिए, आपत्ति आपत्ति दर्ज दर्ज कराइएगा। कराइएगा। देखिए सबसे पहली बात यह है कि भारत देश हमारा है। ये वो लोग हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन फिलिस्तीन के जय हिंद झंडे बोलते लेके हैं हम, भारत का तिरंगा जय हिंद नहीं लेंगे, हमारा, हम इतना इंडिया दूर है। गठबंधन वाले नहीं जय नहीं हिंद प्लीज बोलते हैं, और स्क्रीन पे भाजपा मत बोलिए वाले हिमांशु भारत जी, माता देखिए की ये जय गलत बोलते है। हैं। दोनों हिमांशु एक जी ही प्लीज बात है, नो, मैं हम नहीं लोग बोलूंगी, जो आई हम एम लोग नॉट जो टॉकिंग आपके टू यू। बीजेपी के खिलाफ विचारधारा नो रखते नहीं हैं नहीं वो जय हिंद बोलते हैं, सारे लोग जय हिंद तो बोलते भारत हैं, भारत इसमें क्या शब्द, दिक्कत है भारत भाई? शब्द से दिक्कत है भारत, आपको हम हिमांशु जी, ये गलत है। देखिए हम बिल्कुल भारत गलत जनता है, पार्टी की लेकिन बात डाउन क्यों करेंगे भाई? कर हम उनके पाएंगे खिलाफ आप विचारधारा के इंडिया हम के लोग। भारत भारत की ही बात नहीं कर है, रहा हूं मैं, भारत भारत जय जनता हिंदू के आप आपको। बोलते नहीं हैं ना भाई, भारत इसी से से दिक्कत चलाते है हैं। आपको, नहीं नहीं भारत, भारत, हम हम जय जय हिंद हिंद बोलेंगे। बोलेंगे नहीं क्या? भारत अरे से आप दिक्कत है जय आपको। हिंद से क्या दिक्कत मैं है? ये जय कह रहा हिंद हूं, अगर ठीक हम है बोले ठीक हैं, है ठीक है ठीक है, आप जय एक हिंद मिनट, अगर हम बोल अच्छा रहे हैं, मेरे को ये भारत बताइए, माता की जय तो अच्छा मेरे को बीजेपी ये करा बताइए, रहा है, मेरे को नहीं नहीं आरएसएस सुन, करा रहा है वो ठीक है लोग, ठीक है अभी फाजिल हम भाई क्यों जाएं उनके एक साथ? मिनट गलत फाजिल है भाई, हिमांशु जी, आप जय हिंद व्हाट इज बोलते हैं, दिस, आप ये इनकी इंडिया बोलते अपनी हैं। विचारधारा है, नहीं ये नहीं मैं जाके आपकी आपकी बीजेपी आपकी बीजेपी में है, विचारधारा ये मैं बीजेपी जनता बोल तक, रहे हैं। आपकी विचारधारा जनता तक रखना मैं चाहता हूं, हिंद, आप जय जय हिंद हिंद बोलते बोलता हो, हूं, ठीक है आप जय जय हिंद हिंद बोलते हो, देश सुनिए का ना नारा है, सुनिए सारे ना, सैनिक बोलते हैं। अच्छा आगे कोई सुनिए, प्रश्न आप ये जय हिंद शुरू बोलते हो हैं, जाता है। ये जय हिंद बोलते हैं, ये इंडिया बोलते हैं, आप बोलते हैं इंडिया बोलते हैं, अब इंडिया बिल्कुल इंडिया गठबंधन, बोलते हैं, ठीक है तो भारत में क्या दिक्कत है आपको? भारत भी बोलते हैं, है हाँ तो तो वो बोलिए भारत की भारत जय में माता क्या की जय। दिक्कत है अरे आपको? माता बोलते हैं लोग तो ना, भारत बोलिए हमारा ना देश भारत ना है माता की जी, जय। माँ भारत हमारी इंडिया माँ नहीं बोल है, देश सकते, हमारा देश है, जमीन हमारी जमीन है, पे बगीचा हमारा यही बगीचा लोग तो है, हम हैं सबको एक जिनको एक लाइन में भारत से बोलेंगे, स्नेह नहीं ओके है, साध्वी प्रज्ञा भारत जी, हमारा हमारा देश देश है। है। साध्वी प्रज्ञा जी आप अपनी बात करिए, फिर इसके बाद सूर्या जी। हाँ लेकिन अगर अब ये बीच में बोलेंगे फाजिल अहमद जी, तो आप नहीं इनका बोलेंगे, फिगर वो डाउन बहुत करेंगे समझदार हिमांशु है, जी? नहीं मैं बोलेंगे, आपको लग रहा है करेक्ट कितने कर रहे थे आप, समझदार हैं, मैं बड़ा देखिए आगे पूरा ठीक, नहीं देश बस इन्हें देख ठीक। रहा है, इनकी समझदारी को। हाँ देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी, ये वो लोग हैं जिनके मनों के अंदर हमारे भारत माता के लिए नफरत भरी हुई है। इनको इतना भी नहीं पता कि भारत माता क्यों कहा जाता है पूरे विश्व में। आपने कभी रशिया माता, अमेरिका माता सुना? भारत माता कहा जाता है क्योंकि हम अपने देश को माँ के समान मानते हैं, माँ के समान उसकी बाप को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मानते, इज्जत करते हैं। बाप को कैसी नहीं बात मानते, लोग क्या जिन्हें कैसी बात हमारी कर रहे, रिस्पेक्ट बिना में बाप नहीं माँ है के कौन कि पैदा भारत होता का है जी? तिरंगा कैसी नहीं बातें उछाल करते हैं सकते। आप, नहीं आप कैसी कैसी बातें बातें करते करते हैं? हैं नहीं हमारी आप कैसी माँ बातें माँ करते बात हैं? कर रहे देश हैं, हमारा कैसी देश कैसी है, मतलब खेत इल्लॉजिकल हमारा आप खेत बातें का करते है, हैं, अब खेत को इल्लॉजिकल बेचना आप है, बातें अरे करते हैं, इल्लीजिकल यू दुनिया नॉट लोग कर रहे अबाउट हैं, टेलिंग टेलिंग बेकार की बात है, आपका निजी कैसी कोई, कैसी बातें आपका करते हैं कोई निजी, आप? अरे खेत बोल दिया, बिल्कुल बोल रहे नहीं कैसी बातें कर रहे हो? देश हमारा देश ना है ना 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 ना, इनसे हमारा, बोलिए माफी मांगेंगे। अरे नहीं, भारत माता क्या क्या भारत है, माता हमारा क्या, खेत इन्होंने है, शब्द को खेत को छोड़ हमारा दिया, खेत है, ये हमारा देखिए खेत ये है, देखिए, हमारा बगीचा नहीं नहीं बगीचा है, हिमांशु भाई ये हमारे बहुत बाप गलत बात माँ है, है, हमारा माँ है, एक बार ना ना सामने ना लाइए, ना ना, मैं सामने बिल्कुल लाइए। स्वीकार नहीं हाँ करूंगा इस टिप्पणी हाँ को, क्या बिल्कुल टिप्पणी को स्वीकार नहीं करूंगा, बोले माफी मांगेंगे, दवाई दवाई नहीं नहीं इनसे बोलिए माफी मांगेंगे, फिर दवाई क्या नहीं क्या खाई, आपत्ति, मैं क्या आपत्ति आपसे हो रही है? इन्होंने क्या अभी बोला इलाज का भारत सुन लीजिए, माता हमारा इनका खेत दवाई का है, इलाज होता दिमाग खेत का, बोल रहे हैं, दवाई खा दवाई लीजिए, इनके आते खेत हैं का तो सब शब्द बताए, डिबेट में क्या बैठ शब्द है ये, जाते, क्या ये शब्द दवाई बोल खा रहे हैं ये, है, आज सुनिए फिर दवाई नहीं खाई ये है, देखिए देखिए दवाई ये खा के देखिए ये बार बार आतंकवादी इनको हम मुझे समझाते बताएंगे, हैं कि ये आप इंडिया दंगाई में आने मुझे से पहले बताएंगे जो कि मैं क्या आतंकी करूंगा, है, क्या दिमाग नहीं का करूंगा, चल रहा देखिए है, ये देखिए उसकी ये दवाई देखिए टाइम मेंटल से खत्म खा, कर आकर रहे हो, यहाँ क्या पर आपके डिबेट को बाप जो डिलीवर बोल कर रहे रहे हैं? हैं सुनिए ना, आप डिबेट दिमाग को की डिलीवर दवाई कर रहे खाते हैं, नहीं हो, बिना सुनिए खाए चले पर्सनल, आते सुनिए हो आप, पर्सनल फिर यहाँ पर्सनल हिमांशु भाई, पर्सनल, आपकी डिबेट में नहीं सुना नहीं की नहीं बातें हो रही नहीं हैं, मैं बिल्कुल देखिए, दिमाग की दवाई चीज मैं का इलाज बिल्कुल चलता है, नहीं इनकी नहीं खाते प्लीज नहीं प्लीज दवा, प्लीज प्लीज पर्सनल मेरे कोई भाई बात नहीं इनको मैं करेगा, समझाता हूँ और क्या, मैं आपसे दवाई भी खा कह रहा के हूं, आया करो। मैं आपसे भी कह रहा हूं, जब आप हिंद की बात करते हैं, जब आप इंडिया की बात करते हैं, तो भारत को भी एक्नॉलेज आप करेंगे, और इस बात को आप अरे समझिए, बिल्कुल भारत, इंडिया आप आपका भी गलत तरीके से ये टिप्पणी खुद नहीं इंडिया करेंगे, नहीं है ना? मानते हैं, तो हिंदी साध्वी, बोलते ही तो तो साध्वी प्रज्ञा ये लोग तो भारती, अगर हिंदी आपकी, बोलने लगे, सुनिए साध्वी प्रज्ञा, जैसे राहुल जी इंडिया बोले सुनिए ये लोग हिंदी बोलने साध्वी लगे प्रज्ञा इंडिया भारती को। अगर कोई बात कह रही है तो आप सुन तो लीजिए वो कहना क्या चाह रही है। हाँ देखिए हिमांशु बात जी, ये है, ये लोग बात कंप्लीट इसलिए नहीं करना देना चाहते हैं हिमांशु जी, क्योंकि इनके मनों के अंदर भारत माता के लिए नफरत भरी आप हुई है कंप्लीट करिए। हाँ इसीलिए। दूसरी बात आप ये देखिए, जो आदिल हसन जी ने यहां पर ये बोला कि ओवैसी थे जिन्होंने विरोध किया, विरोध नहीं किया इन्होंने आइसिस का, ये वो लोग है जब जावेद अगर गौ हत्या करता है ना, तो वहां जाकर जावेद अरे के समर्थन तिरंगा में कब रैली फहराए है, निकालती है, सुनिए और तिरंगा को गौ मानते हत्या, हैं, गौ माता के लिए तिरंगा को अक्षत भी मानते निकलते हैं, हैं, ये वो लोग तिरंगा हैं। को मानते सुनिए तो, हैं, सुनिए एक तो बार इनको, जरूर हाँ कहूंगी ये लोग, हिमांशु।
तिरंगा को नहीं मानते, जनगण मन को नहीं मानते, और हमको बता रहे ज्ञान दे रहे। अब इन लोगों की एक्सेप्टेंस खत्म हो रही है, इनको समझना होगा ये सदी सनातन की सदी है, ये सदी भारत की सदी है। इन जैसे लोगों को अब भारत की जनता नकार चुकी है, इनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। और ये जो हर चीज में बीजेपी कांग्रेस ले आते हैं ना, तो आप इनकी मंशा समझ रहे हैं क्या है? इनकी मंशा राजनैतिक है, इसीलिए लोग ऐसी बातें करते हैं। इनको ना भारत से परवाह है, ना भारत की जनता से लेना। ठीक है आदिल हसन, आदिल हसन, आदिल हसन, बोलिए भारत माता की जय बोल दीजिए ना। हिमांशु जी बोलिए भारत माता की जय बोल दे, क्या प्रॉब्लम है? बोलेंगे हिमांशु जी, बीजेपी की बात क्यों? बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी और भारत क्या भारत माता की जय हिंद में माध्यम से देख रहा है, बेनकाब हो गए। माँ का बाप कौन है आपका, ये बताइए। क्या 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 बाप ही तो होगा ना, क्या कैसी बातें करती है आप? दिमाग है कि नहीं आपका? दिमाग है कि नहीं आपका? दिमाग है कि नहीं आपका? की बात आप बोलिए। अरे हम क्यों बोले भाई? नहीं मैं आपसे पूछता हूँ आपके बाप का नाम क्या है? नहीं मैं आपसे पूछता हूँ आपके बाप का नाम क्या है? हम मेरे नाम आपको पता है? आपके बाप का नाम, मेरे बाप का नाम पता है आपको? है? मेरे बाप का नाम मोहम्मद सलाउद्दीन है, मैं बोलते रहा हूँ। मेरे बाप का नाम क्या है? उसके बाप का नाम क्या? उसके बाप का पर्सन जाएंगे आप माता, हम कहां आपको मना कर रहे? आप मानिए, लेकिन हमसे क्यों कह रहे कि आप माता बोलेंगे? बिल्कुल मत करिएगा। नो नो आई वोंट गो अहेड। मैंने खुद आपत्ति दर्ज कराई, अगर इस तरह से कोई भक्तिविधि यहाँ पर कर रहा है तो आप बोलिए ना, आपको कौन मना कर रहा है? आपने कहा आपका क्या क्या फाजले मत, फाजले मत, आप किसी को इस तरह से गलत बात नहीं कर सकते। आपने कहा एक मिनट सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए। उन्होंने भारत माता की बात करी, आपने कहा सुनिए, आपने क्या कहा? इनसे पूछे इनके बाप का नाम क्या है? आपने कहा इनसे पूछे इनके बाप का नाम क्या है? मुझे लगता है दवाई की, नहीं सुनिए, मुझे लगता है फाजिल अहमद दवाई की जरूरत आपको है। मुझे लगता है दवाई की जरूरत आपको है, अगर आप किसी पर इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से टिप्पणी करते हैं। साध्वी के लिए, एक महिला के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करेंगे और उस पर एक्शन जाएगा, क्या होगा? आप क्यों फोर्स कर रहे हैं? माफी मांगनी पड़ेगी। क्यों बोले हम जय हिंद बोलते हैं? माफी मांगनी पड़ेगी। मैंने पूछा पिताजी का नाम क्या है? बोलते हैं नहीं, आपने कहा इनसे, नहीं आपने क्या कहा कि इनके बाप का नाम क्या है? इनके बाप का नाम क्या है? आप थोड़ी थोड़ी तहजीब होती है कि नहीं? थोड़ी तहजीब होती है कि नहीं होती? थोड़ी तहजीब होती है कि नहीं होती? अरे क्या मैं यहाँ पर क्या पर्सनल बायोडाटा लेने बैठा हूँ आपका? क्यों नहीं है? पर्सनल बायोडाटा लेने बैठा हूँ आपका? कुछ बोलेंगे आप? कर सकता है ये बात? कैसे फोर्स कर सकता है वो? सामने वाले से पूछेंगे उनके बाप का नाम क्या है? थोड़ी थोड़ी बात तहजीब रखिए। सूर्या जी पूछ सकते हैं, सूर्या जी आदमी की पहचान होती है। शांति से बात सुन ले, अरे भारत का विषय पूछा है ना, सुनिए। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, प्लीज ऑर्डर डाउन करिए। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, देखिए ये शायद माफी नहीं मांगेंगे, ये शायद अपनी तहजीब दिखाएंगे, ये शायद ये बताएंगे कि किस तरह से इनको आचार विचार दिए गए हैं। अरे आप, आपके आचार विचार यहाँ पर दिख रहे हैं। तो साध्वी प्रज्ञा भारती जी, साध्वी प्रज्ञा भारती जी, आपके भाजपा की जिंदाबाद बोले तो आप खुश रहेंगे? अरे बीजेपी की बात हुई नहीं, बीजेपी की बात हुई नहीं, भाजपा जिंदाबाद। थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे डालिए तो शायद आपका काम सही करेगा। ये भारत हमारा है ना, बताइए प्रज्ञा भारती जी, आप सुनिए, वो माफी नहीं मांगेंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन आप अपनी तरफ से अगर कुछ उनको कहना चाहते हैं, कोई बात रखना चाहते हैं तो कह लीजिए। उसके बाद सूर्यप्रकाश मैथिल जी के पास, और आदिल भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आदिल भाई के पास भी आ रहा हूँ। फसलों की बात नहीं कर रहे, मजदूरी की बात नहीं कर रहे, जमीन की बात नहीं कर रहे। एक मिनट में, हाँ साध्वी प्रज्ञा भारती जी हाँ, मोहर्रम में फिलिस्तीन का झंडा, ये मुद्दा था। रुकिए, हाँ, रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, महिला की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, उसका आचार विचार व्यवहार उसके बारे में बहुत कुछ बताता है, जो मेरे देश मेरे भारत की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। ऐसे इंसान को तो चैनल पे बुलाने लायक नहीं है ये व्यक्ति, इसको क्या बुलाना है आपको चैनल पे? इस लायक ही नहीं जो भारत को
उसको यही नहीं पता कि भारत को माँ क्यों कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर मुहर्रम का जब जुलूस निकल रहा है, यहाँ पर फलस्तीन का झंडा है। अरे इतनी देशभक्ति, इतना प्रेम भारत के लिए है, इतनी देशभक्ति इतना प्रेम है तो भारत का झंडा लहरा देते, भारत का झंडा लहरा देते। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दिखाई जा रही है फलस्तीन के लिए। बताइए अब एक सूर्य प्रकाश जी, उन्होंने पूछा ना भारत कौन है, तो मैं बता देना चाहता हूँ। भारत हमारा देश धरती है, भारत ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकर कंकर हमारे लिए चंद्र है। हम जिएंगे तो इस धरती के लिए और मरेंगे तो इस धरती के लिए, और मरने के बाद भी हमारे लोगों को नहीं बनाएंगे और संविधान लेके चलेंगे, ये आवाज आएगी भारत माता की जय। ये है हमारे लिए भारत, ये है भारत माता। समझ में आया? आप दंगाई, आप भ्रष्टाचारी, आप पत्थरबाज, आप आतंकवादी, आईएसआईएस देश के अंदर बैठकर केवल और केवल दंगा करते हैं। कोई पर्सनल कमेंट नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं, इन्होंने अपमान किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यही अपमान लगातार दरभंगा में हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ हिमांशु जी, आखिर क्या कारण है वहां पर फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया? क्या यह फिलिस्तीन का हिस्सा है या भारत का हिस्सा है? भारत का झंडा फहराना चाहिए था, भारत माता की जय कहनी चाहिए थी। ये लोग भारत से खाते हैं और खाते फिलिस्तीन का है, पाकिस्तान का है, यहाँ बैठकर दंगे करते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। इनके लिए बुरहानवादी सुनिए, पक्का हुआ नौजवान है, ये देश का खाएंगे। मेरी बात सुनिए। अरे कोई नहीं, मेरी बात सुनिए। अरे मेरी सुनिए, अच्छा आदिल भाई, आदिल हसन एक सुनिए ना, ओके, अच्छा हो गया, आपकी बात हो गई। आदिल हसन साहब मुस्कुरा रहे हैं, इतनी ऐसी डिबेट हो गई, ऐसी चर्चा हो गई कि यहाँ पर सब लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से ये आवाज निकल रहे हैं। इतना तो जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तब भी इतना मैच नहीं देखते हैं, हम भारत के वजूद के लिए लड़ते हैं, हम क्रिकेटर नहीं है, हम गेम नहीं खेलते हैं भारत के साथ। क्या है? जाके बिरयानी खा के चले जाते हैं। भारत हमारा पाकिस्तान दुश्मन है, हम उसको दुश्मन कहते हैं, हम उसको ताकने की पसंद नहीं करते। बिरयानी खा के चले जाते हैं। क्या है इनसे पूछिए, क्या बैठकर ध्यान दे रहा हूँ, क्या है? हम उधर देखना भी पसंद नहीं करते, हम उधर देखना भी पसंद नहीं करते। भारतीय सेना को आतंकवादी कहते हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को लाइन होती है जिसके अंदर से मंदिर तोड़े गए, अच्छा उसको ये महिला पंडित कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सुनिए ना आदिल भाई, एक नहीं, अरे कैसे आप किसी को पर्सनल ऐसे बोल सकते? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं 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 आदिल भाई प्लीज।